जौनपुर में देसी शराब की दुकान पर बदमाशों ने तमंचे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान ये सेल्समैन का मोबाइल भी लूट ले गए। तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं जाते वक्त बदमाशों ने देसी शराब की दुकान पर लगी टीवी भी तोड़ दी। वहीं ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीन हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के दम पर यह लूट की वारदात अंजाम दी गई है और सीसीटीवी में लूट की पूरी घटना कैद हो गई है। इसी के आधार पर पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल कर रही है। और बड़ी खबर आगरा से है। छेड़खानी से तंग आकर युवती ने तेजाब पी लिया। युवती के परिजनों ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी युवक के तानों से तंग आकर युवती ने तेजाब पी लिया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो नामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जब छेड़खानी से तंग आकर लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या युवती या उसके परिजनों की तरफ से पहले कभी शिकायत की गई थी पुलिस को, या फिर ये अचानक से पूरा घटनाक्रम हो गया? देखिए, कुछ दिनों से लगातार इस तरह की शिकायत की गई थी पुलिस से कि वो लगातार जो पड़ोसी युवक हैं वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। और इसको लेकर जब आजिज आकर उस युवती ने फाइनली बड़ा कदम उठाया है और उसने तेजाब पी लिया, तेजाब के बाद उसकी हालत बिगड़ी है, तो उसको एसएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव की घटना। इस पूरे मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और दो की नामजद की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि एक तरफ सरकारी स्तर पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि कई बार कई दफा ये देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़े स्तर पर बड़ी हो जा रही हैं और उसी क्रम में एक युवती इस कदर तंग आ गई कि उसने फाइनल इसमें तेजाब पीना पड़ा और उसकी मौत हो गई। मामले में मजिस्ट्रेट ने इलाज के दौरान बयान दर्ज कर लिए हैं और ऐसे में डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत बड़ा कहा जाए सबूत बनेगा इस केस में, किस तरीके से कि मृत्यु पूर्व जो तमाम बयान दिए गए हैं उस बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल नितिन ये भी है कि जैसा कि जानकारी मिल रही कि पहले भी शिकायत की गई थी पुलिस से, तो क्या पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय होगी कि पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, इस मामले में आईजी रेंज आगरा नवीन अरोरा का कहना है कि हम इस घटना का उन्होंने संज्ञान लिया है और उसके आधार पर अगर इसमें गुणदोष के आधार पर अगर पुलिस कर्मियों ने अगर इसमें कहीं ढीला हवाली की है तो कहीं ना कहीं उन पर भी उनको भी फ्रेम किया जाएगा। 19 साल की ये युवती थी और करीब 6 महीने पहले ये लोहा मंडी से आकर गांव में रह रही थी और पड़ोस का जो युवक था लगातार। ठीक, अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोर अपनी मनमर्जी पर उतरे हुए हैं। चोर घर के बाहर से कार चुरा ले गए और उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात सदर कोतवाली इलाके के पीडी नगर की है, जहां पर रात में 11 बजे चोरों ने गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस चोरी का केस दर्ज कर चुकी है और ये चोरों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चोरों ने कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए, बेधड़क होकर पहुंचे, कार पर हाथ साफ किया और कार लेकर निकल गए और पूरी घटना कैद हो गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसी सीसीटीवी के आधार पर अब उन्हें तलाशा जा रहा है। और अब बात औरैया की करते हैं। खेतों में ग्रामीणों के 12 प्राचीन सिक्के मिले हैं। सफेद और पीली धातु के 12 प्राचीन सिक्के बरामद हुए हैं। पीली धातु के 10 सिक्के हैं, 2 सफेद धातु के सिक्के मिले हैं। सोने और चांदी के हो सकते हैं प्राचीन सिक्के। औरैया के बादशाहपुर चौक गांव में प्राचीन सिक्के मिले। और नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करने जा रहे किसानों को आज पुलिस ने फिर से रोक दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद किसान धरने पर बैठ गए। दरअसल आज नोएडा के 81 गांव के किसान तिरंगे के साथ प्राधिकरण के घेराव करने पहुंचे थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। ये लोग किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों के धरने को देखते हुए यहाँ पुलिस बल को तैनात करना पड़ा।
झांसी में अज्ञात बुखार से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। 18 अगस्त को जालौन से झांसी लाया गया था बच्चा। एम्बुलेंस कर्मी पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाने का आरोप है। परिजनों ने सीएम से डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की शिकायत की। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। झांसी में अज्ञात बुखार से 1.5 साल के बच्चे की मौत हुई है। 18 अगस्त को जालौन से इस बच्चे को झांसी लाया गया था और आरोप ये भी लग रहे हैं कि झांसी में एम्बुलेंस कर्मी पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाने का आरोप है। दरअसल झांसी में एक बड़ी समस्या है, बकायदा वहां पर मेडिकल माफिया सक्रिय है। जो बड़ा अस्पताल है झांसी मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर अस्पतालों का अंबार लगा हुआ है और अमूमन यही होता है कि बरगला कर डरा कर जो पेशेंट है उनको सरकारी से प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसके बाद लापरवाही और लूट होती है। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का कहर जारी है। फिरोजाबाद पहुंची भारत सरकार की विशेष टीम। 5 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद में बैठक की। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को बुखार से मौत हो चुकी है, तो केंद्र की तरफ से टीम भेजी गई है, जांच चल रही है। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का कहर जारी है और भारत सरकार की विशेष टीम फिरोजाबाद पहुंच गई है। 5 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद में बैठक की और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है। कारणों को पता लगाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी जारी है कि जल्द से जल्द इस हालात पर काबू पाया जाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से टीम भेजी गई है। जिस तरीके से मौत का सिलसिला लगातार जारी है, उसी क्रम में ये टीम पहुंची है और ये पता लगाएगी कि आखिर वजह क्या है और कैसे काबू में ये बुखार आएगी। मथुरा के कोह गांव के बाद कई गांव में दहशत हुई आ गई है। मथुरा के नावली भाही गांव में महामारी फैलने की खबर है। दोनों गांव में इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना हो गई है। मथुरा के 10 गांव महामारी के चपेट में है और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। स्क्रब टाइफस, डेंगू, जापानी बुखार, मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं और महामारी का खतरा और प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल मचा हुआ है। सबसे अधिक मौत और बीमार कोह गांव में ही है। स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, जापानी बुखार और मलेरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं बस्ती की, जहां पर ओपे कैली अस्पताल में उस वक्त सनसनी मच गई जब लिफ्ट में 24 साल पुराना नरकंकाल मिला। पुलिस ने नरकंकाल की डीएनए जांच और फॉरेंसिक टीम को काम में जुटाया है। दरअसल 24 साल पहले ओपेक कैली अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था। यहां 24 साल पहले खराब लिफ्ट को जब मरम्मत के लिए खोला गया तो वहां से नर कंकाल बरामद हुआ और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो इधर हटा हुआ है, इधर हटा दो, हां इधर हटा हुआ तो विजय तिलक में सबसे पहले बात गोंडा की। गोंडा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल यात्रा भी गोंडा पहुंची, जिसकी अगुवाई सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि जिस तरह से गौशाला में गाय भूख की वजह से मर रही हैं, सड़कों पर दूसरे जानवर दम तोड़ रहे हैं, वो साफ साफ बयां कर रहा है कि गो रक्षा के नाम पर भाजपा झूठ बोल रही है। नरेश उत्तम पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है जबकि सपा लोगों को जोड़ने की राजनीति कर रही है। भारत में गाय दुर्घटना में मर रही है, भोजन के अभाव में मर रही है और गाय सबसे ज्यादा दुखी है इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। भारत सभी धर्मों अनिश्चय, अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि बड़ी पार्टियों से हमारा गठबंधन का अनुभव या परिणाम ठीक नहीं रहा। और जेडीयू नेता और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने बयान दिया है कि यूपी चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में गठबंधन को लेकर उनकी भाजपा के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और अगर गठबंधन पर बात नहीं बनी तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। बिहार की पार्टी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जी। सर, बीजेपी से आप लोगों की बातचीत हुई है, कितनी सीटों की आप लोगों ने डिमांड की और उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है चुनाव लड़ने की? देखिए, हम एनडीए के पुराने हिस्से हैं, बल्कि सबसे पुराने हिस्से हैं, उसके संस्थापक सदस्यों में हैं
और हमने लोकसभा के भी विधानसभा के भी कई बार चुनाव इकट्ठे लड़े हैं और हमारे एमपी भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से एमएलए भी रहे हैं और जो संयुक्त जनता दल था तो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हमारा पुराना आधार है। 2017 के चुनाव में जरूर हमसे चूक हुई कि हमने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, यद्यपि उससे पहले जन जागरण अभियान के तहत नीतीश कुमार जी की जो दर्जनों सभाएं हुई थी उसमें भीड़ जिस तरह से उमड़ी थी उससे भी हमारा हौसला बढ़ा। खैर, 2017 में ना लड़ने का नुकसान उनको जरूर हुआ। अब पार्टी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। इस विषय में गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के से ही संबंधित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से हम लोगों की प्रारंभिक वार्ता हुई है जिसमें हमें सकारात्मक संकेत दिखे हैं और इन बातचीत को हमने प्रधानमंत्री से भी शेयर किया है। अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के तहत मैं भी श्री योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिला हूं और पार्टी की जो इच्छा है वो उससे उनको अवगत कराया है। हमें उम्मीद है कि हमारा उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ सीटों का तालमेल संभव है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जो बता रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान से जेडीयू की बातचीत हुई और उन बातचीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया गया है। उम्मीद है कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सहयोगी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों के महापंचायत को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। जीआईसी ग्राउंड में मंच बनाने टेंट साउंड लगाया जा रहा है। राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह ने बताया कि महापंचायत में करीब 7 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पुख्ता तैयारी कर रहा है। शहर से लेकर गाँव देहात तक फोर्स तैनात रहेगी। महापंचायत में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस के साथ लगभग 8 कंपनी PAC और पैरामिलिट्री फोर्स और मेरठ जोन के सभी जिलों की पुलिस तैनात रहेगी।